रूस यूक्रेन जंग में किसी रोज रूसी ब्रिगेड अपने विध्वंसक प्रहार से यूक्रेन को दहला देती है, तो कभी यूक्रेनी सेना अपने विस्फोटक अटैक से क्रेमलिन तक सनसनी मचा देती है। मगर इस बार जिस भीषण तरीके से यूक्रेन में बारूदी कोहराम मचा है, उसे देखकर ज़ेलेंस्की भी सिहर उठे हैं, क्योंकि पुतिन की फौज ने बीते 24 घंटों में 150 से ज्यादा ब्लास्ट करते हुए यूक्रेन के जर्रे जर्रे को थर्रा दिया है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये तो एंग्री पुतिन के प्रतिशोध की पहली किस्त है। अभी क्लस्टर बम से लेकर 5,500 यानी 5,500 किलो तक वजनी विनाशकों से अटैक अभी बाकी है। यूक्रेन के संपूर्ण विनाश का चैप्टर अभी बाकी है। आखिर कैसे, देखिए। कहीं इमारतें जमींदोज हो गईं तो कहीं मकान आग की लपटों में झुलसते दिखाई देने लगे। कहीं सैन्य अड्डे तबाह हुए तो कहीं हथियारों के डिपो आसमानी प्रहार में तहस नहस हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव या फिर डोनेस्क से लेकर खार्कीव तक, रूस के बारूदी प्रतिशोध में यूक्रेन का कोना कोना थर्रा उठा। पोक्रोस्क से लेकर सुमी तक, पोल्तावा से लेकर मेलिटोपोल तक के इलाकों में भी ऐसा ही कोहरा मचा जिसे देख रूह कांप जाए। दरअसल यूक्रेन में बीती रात आया जलजला एंग्री पुतिन का इंतकाम था, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 150 से ज्यादा हमले हुए। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी की गई। यूक्रेन के बड़े शहरों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। रूसी सेना के विध्वंसक हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई, जबकि यूक्रेन के 785 से ज्यादा सैनिक भी मारे गए। वहीं डोनेस्क रीजन में यूक्रेन के 225 सैनिकों की मौत हुई। शायद यूक्रेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूसी ब्रिगेड इस तरीके से यूक्रेन में तबाही मचाएगी। इस कदर आसमानी प्रहार करेगी। लेकिन सच तो ये है कि मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। प्रचंड बारूदी कोहराम है और भीषण तबाही है। और बीते 24 घंटों में यूक्रेन पर किया गया अटैक इस बात के पुख्ता सबूत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही रूस इतना आक्रामक क्यों हुआ? क्यों उसने यूक्रेन के मेन लैंड को निशाना बनाया? क्यों रिहायशी इलाकों को नेस्तनाबूद किया? तो इसकी वजह 7 अगस्त को खेरसोन रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए 2 बड़े अटैक है। जैसे स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अंजाम दिया गया। दरअसल यूक्रेनी वायुसेना के SU-24 फाइटर जेट्स ने खेरसोन रीजन में क्रूज मिसाइलों से हमला किया और ये अटैक खेरसोन रीजन में मौजूद 2 बड़े ब्रिज पर किए गए। आपको बता दें कि ये दोनों ब्रिज रूस के अहम वेपन रूट थे। इन्हीं ब्रिजों से खेरसोन में रूसी डिफेंस हथियारों की सप्लाई करता था।
यूक्रेन ने खेरसोन के चोनहार ब्रिज और हेनीचेस्क ब्रिज को न सिर्फ तबाह किया बल्कि इस हमले के साथ ही क्रेमलिन तक में सनसनी मचा दी। बस फिर क्या, इसी ब्रिज अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के कोने कोने को ही टहला दिया। राजधानी कीव को वीरान तो वहीं बाकी शहरों को शमशान बना दिया। और अब तो दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही रूसी डिफेंस यूक्रेन पर केमिकल क्लस्टर और 5.5 टन वजनी बमों की बरसात किसी भी वक्त कर सकता है। एक तरफ पुतिन की फौज यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो वहीं एंटी पुतिन ब्रिगेड भी वॉर जोन में रूस को गहरी चोट दे रही है। ये वीडियो यूक्रेन के ज़ेत्सेवे इलाके का है जहां रशियन फ्रीडम लीजन के लड़ाकों ने रूसी डिफेंस के हथियार गोदाम को आसमानी हमले में ध्वस्त कर दिया। रशियन फ्रीडम लीजन के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, वो भी पुतिन के खिलाफ। और एंटी पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन में मौजूद रूस के वेयरहाउस को भीषण बमबारी में उड़ा दिया। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने इस वेपन डिपो में 82 mm की मोर्टार शेल्स, 120 mm की मोर्टार शेल्स, TM-62 एंटी टैंक माइंस, ग्रेट MLRS के लॉन्चर की खेप इकट्ठा कर रखी थी। वहीं रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी बीती रात स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। लेकिन इस अटैक में रूस को भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल काउंटर ऑफेंस के फेल होने के बाद यूक्रेन ये बखूबी जान चुका है कि रूस जैसे महाबली से भिड़ना आसान नहीं है। ऐसे में या तो रूस के खिलाफ युद्ध गोरिल्ला वॉर तकनीक से लड़ा जाए या फिर रूस की सेना पर उसके सैन्य ठिकानों पर लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। बस इसी नई युद्ध नीति के साथ यूक्रेन वॉर जोन में उतरा है और लगातार ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहा है। मतलब यह है कि अब यूक्रेन के वजूद की जंग है। अगर इसमें ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड थोड़ी सी भी कमजोर पड़ी तो फिर पुतिन पासा पलटने में वक्त नहीं लगाएंगे। शायद इसीलिए पुतिन के हर हमले का पलटवार यूक्रेन भी विध्वंसक अंदाज में दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।